बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। आगवासा भजन सत्वंजा पूरण आत्म एक रस है यह। चेतन चिद आकाश है यह। चेतन चिद आकाश है यह। चेतन चिद आकाश अजर अमर अविनाशी जा तो काल करे नहीं नाश। मन बुध वाणी इंद्रिय गोचर साक्षी स्वयं प्रकाश है यह। चेतन चित आकाश है यह। चेतन चित आकाश अस्थि भात प्रिय रूप में सोई सब घट कर रतन वास। दूध माहि जो घृत व्यापक पुष्प मंधे जो वास है। चेतन चिद आकाश है यह। चेतन चिद आकाश पाप ताप से रहत सदा सो आनंद घन की रास। तीन गुणों तीन देह गुण तीन अतीता हृदय करत उलास। सदा सो हृदय करत उलास। सदा सो हृदय करत उलास। कहे टेऊ ले गुरु से युक्ति कीजे अनन अभ्यास। पांच कोश का पर्दा तोड़े देखो ब्रह्म विलास। प्यारे देखो ब्रह्म विलास। तोड़े देखो ब्रह्म विलास। पूरन आत्म एक रस है यह। चेतन चिद आकाश है यह। चेतन चिद आकाश है यह। चेतन चिद आकाश। राग आशा भजन 57 पूरम पूर्ण आत्म एक रस है यह। चेतन चिद आकाश परब्रह्म परमात्मा एक रस है और चिद आकाश चिद चेतन शक्ति उसकी सर्वत्र व्यापक है। अजर अमर अविनाशी जाको काल करे नहीं नाश। अजर अमर उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती विनाश नहीं होता। काल जन तक पहुंच नहीं पाता। मन बुद्धि वाणी इंद्रिय अगोचर। मन बुद्धि वाणी और इंद्रियां उसे लख नहीं सकती। वो साक्षी स्वरूप है स्वयं प्रकाश अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। वही परब्रह्म परमात्मा सब घट में समाये हुए हैं। अस्थि भाति प्रिय रूप से सब घट करत निवास।
घट घट में उसका वास है, अस्थि है, भांति भासता है और प्रिय लगता। दूध माह जो घृत व्यापक, जिस प्रकार से दूध में घृत समाया हुआ है और पुष्प में सुगंध समाई हुई है, उसी प्रकार से कण कण में वो ब्रह्म पर ब्रह्म समाये हुए हैं, व्यापक है। पाप ताप से रहत, वो सब पाप ताप से रहते हैं, अलेप है, निर्लेप है। आनंद घन की रास, परम आनंद की राशि है, भंडार है। तीन देह सूक्ष्म स्थूल कारण, त्रिगुण सत्व रज तम इनसे अतीत है। हृदय करत हुलास, हमेशा ही आनंद में मगन रहते हैं, और जिनको उनकी प्राप्ति दिव्य दीदार हो जाते हैं वे भी उस परमानंद में मगन रहते हैं। कहे टेमूले गुरु से युक्ति, कीजे अनन्य अभ्यास। गुरुदेव से मार्ग पूछकर उस मार्ग पे चल के अनन्य अभ्यास, निरंतर निश्वासर अभ्यास करके पंचकोश, अन्न कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन कोशों से अतीत उस परब्रह्म परमात्मा का दिव्य दर्शन करके परम आनंद की प्राप्ति करने का उपदेश गुरुदेव महाराज इस भजन में दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेमसा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लाओ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।